में हम बात करेंगे जी इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री से मुतालिक जो टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। बहुत सारी इक्वेशन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, सिमेट्रिक फॉर्म है, काफी फॉर्म्स है हमारे पास जो कि हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनसे मुतालिक किस तरह के एमसीक्यूज आपको ई कैट में सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर मैं स्टार्ट ही एमसीक्यू से करूँ तो आप देख सकते हैं जी कि ये मेरे पास सबसे पहला एमसीक्यू है जो है जी द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू एक्स टू वाई टू पैरेलल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू, चार ऑप्शंस है। यानी हमने देखना है कि हमारे पास अगर मैं एक्सिस ड्रॉ कर लूँ, ये मेरे पास वाई एक्स एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब इसमें एक्स टू वाई टू कोई भी एक पॉइंट है, अब जनरल सा कोई पॉइंट ले लेते हैं, फर्स्ट करें दिस इज एक्स टू वाई टू, चूंकि स्पेसिफिक पॉइंट है भी नहीं तो एक्स टू वाई टू एक पॉइंट है। पैरेलल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, यानी फर्ज करें एक लाइन है जो कि मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, फर्ज कर ले ये इक्वेशन है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इस यानी वो लाइन जो कि इस पॉइंट से पास करे और पैरेलल टू द गिवन लाइन हो, जैसे अगर हम ये बात करें तो ये इक्वेशन है यानी पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन को, और ये जो पॉइंट है अगर इससे एक लाइन पास कर ली जाए जो कि इसके पैरेलल हो तो वो लाइन कैसे हो सकती है, वो लाइन जाहिर है फिर ऐसी लाइन होगी जो कि इसके पैरेलल होगी। तो हम जो इंटरेस्टेड है वो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने में, जिसको मैंने रेड में मार्क किया, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है। अब हम जानते हैं कि लाइंस को जो लाइन है उनके इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए मुख्तलिफ सिचुएशन है, मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर हम उन कंडीशंस को वन बाय वन डिस्कस कर लें तो हमें एमसीक्यूज को सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें m जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, ठीक है, यानी चेंज इन y ओवर चेंज इन x, और c रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट को। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफिकली आपको शो करूं तो ये कुछ यूं बनेगा, जैसे ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, और यहाँ पे अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फर्ज करें ये लाइन है, तो इस लाइन में जो सी है, सी क्या है, वो पॉइंट जहां पे लाइन y एक्सिस को टच करती है उससे लेके ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट c, ठीक है। एंड व्हाट इज स्लोप, स्लोप क्या है कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, ठीक है, जो जिसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं, कितनी इंक्लाइंड है, वो स्लोप रिप्रेजेंट करती है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर x और y और x जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो लिहाजा अगर हमारे पास स्लोप हो और इंटरसेप्ट हो तो हम लाइन किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म विच इज y माइनस वाई वन, यानी हमारे पास स्लोप होती किसके इक्वल है, अगर आप देखें तो वो होती है यानी स्लोप होगी चेंज इन y विच इज y टू माइनस वाई वन ओवर चेंज इन x विच इज x टू माइनस x वन। अब अगर ये वैल्यू यहां पे इंसर्ट करें तो आपके पास जो फॉर्म आएगी वो होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इन टू x माइनस एक्स वन, अगर हम इंटरसेप्ट को छोड़ दें तो, लिहाजा यानी इंटरसेप्ट अगर हम जीरो सपोज कर लें तो अगर आप देखें ये जो है दिस इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म जिसमें जो x1 और y1 कोई भी एक पॉइंट जो कि लाइन के ऊपर मौजूद होता है, उस लाइन का पार्ट होता है, अगर कोई एक पॉइंट गिवन हो और m यानी स्लोप गिवन हो तो इस केस में हम जो है इक्वेशन यूज करेंगे वो कराएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी डिफरेंट कंडीशन से मुराद ये है कि ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस लाइन के अंदर हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि स्लोप और इंटरसेप्ट होनी चाहिए। आप फर्ज करें हमारे पास स्लोप है लेकिन इंटरसेप्ट नहीं है, तो इंटरसेप्ट की जगह हमारे पास फिर कोई एक पॉइंट होना चाहिए, जैसे इसमें एक्स वन और वाई वन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करें, यानी ये एक्स वन और वाई वन और विद स्लोप विद एम, तो उस केस में हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब इसके लिहाज से अगर आप देखें एक ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई और
इसमें मैं फर्ज करें एक लाइन ड्रॉ करता हूँ रेड कलर के अंदर, जो लाइन रिप्रेजेंट करिए ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और फर्ज करें ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो है वो 4 है, ठीक है। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि ये कैसी इक्वेशन, यानी इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन रेड लाइन की जो इक्वेशन है वो हो जाएगी, इसमें देखें एक्स इज चेंजिंग वैल्यूज, एक्स जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन वाई हर पॉइंट के लिए कितना है 4 है, यानी अगर मैं इस पॉइंट को ड्रॉ करूंगा तो ये एक्स वैल्यू होगी और ये वाई वैल्यू होगी, तो वाई कितनी है 4, इस पॉइंट को ड्रॉ करूं इसके लिए ये एक्स वैल्यू जो कि चेंज हो रही है लेकिन वाई अभी भी 4 है, इसको ड्रॉ करो ये एक्स वैल्यू है जिसमें एक्स चेंज हो रही है वाई अभी भी 4 है, इसका मतलब है वाई जो है इसमें चेंज नहीं हो रहा, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू 4, यानी वाई जो है वो आपने 4 रखना है और एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, यानी अगर इसमें देखें तो वाई इज इक्वल टू सी जो है वो इंटरसेप्ट है, यानी वो पॉइंट जहां पे लाइन वाई एक्सिस को टच करती है विच इज 4, तो मैंने लिख दिया वाई इज इक्वल टू 4, यानी अगर मैं इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करता हूँ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आप देखेंगे तब भी आपके पास वाई इज इक्वल टू 4 ही आएगा, क्यों, बिकॉज हमें पता है कि ये एक ऐसी लाइन है जिसकी स्लोप जो है वो है ही नहीं है, यानी स्लोप होती है कोई लाइन टेढ़ी हो, यानी एक्स एक्स के साथ कोई एंगल बना रही हो, इस तरफ बना रही है इस तरफ बना रही है, सो दीज आर आई मीन ये हमारे पास क्या है स्लोप्स है, ये हमारे पास क्या है स्लोप्स है, लेकिन इस लाइन की स्लोप 0 है क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी अगर स्लोप होती थोड़ी सी लाइन इस तरह होती या इस तरह होती, लेकिन इसकी स्लोप 0 है, तो लिहाजा अगर मैं एम यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो एक्स भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, और सी क्या है 4, तो वाई इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 4, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, तो वाई इज इक्वल टू 4 इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर आपको कोई एमसीक्यू इस तरह से आए कि जिसमें पूछा जाए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उसमें अगर आपको जो इंटरसेप्ट है वो गिवन हो तो आप वाई इज इक्वल टू दैट इंटरसेप्ट जो है वो उसकी इक्वेशन बता देंगे। सेकंड चीज है कि अगर इसी लिहाज से देखा जाए तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की अगर इक्वेशन लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू 0, यानी एक ऐसी लाइन जिसमें एक यानी एक्स, बिकॉज ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है जिसको हम सपोज करते हैं कि ये वन, यानी ये एक एक्सिस है ये दूसरा एक्सिस है, और यहां से आप ये ओरिजिन है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहां से हम अबव मूव करें तो वाई इंक्रीज करता है, बिलो मूव करें तो वाई डिक्रीज करता है, अगर एक्स एक्सिस के राइट साइड पे मूव करें तो एक्स इंक्रीज करता है, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे मूव करें तो एक्स डिक्रीज करता है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर एक्स इज 0, वाई इज 0, इसका मतलब है अगर मैं राइट साइड पे मूव करूं देखें एक्स इंक्रीज कर रहा है लेकिन वाई 0 है, लेफ्ट साइड पे इंक्रीज करूं एक्स डिक्रीज कर रहा है लेकिन वाई अभी भी 0 है, तो इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0, सो एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस उसमें आप ये देखेंगे कि एक्स का डिस्टेंस क्या है, यानी एक्स कितना डिस्टेंस ले रहा है, ये जो डिस्टेंस होगा बिकॉज इसमें एक्स चेंज है वाई इज टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज, लेकिन अगर आप बोलेंगे फर्ज करें ये 6 है तो आप लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू 6 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ सिचुएशंस थी जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे उसको सॉल्व करना है, इसको मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, चलें जी ये हमारे पास, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, कुछ ये भी हमारे पास था इसको भी हम रिमूव करते हैं, चलें जी अब यहाँ पे हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू एक्स टू वाई टू, एंड जो मैंने यहाँ पे सिचुएशन बनाई है। अब देखें मैंने बात की कि इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, जिसे हमने पहले डिस्कस किया कि इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए या तो हमारे पास पॉइंट हो जाए, या हमारे पास यानी एक पॉइंट और एक स्लोप हो जाए, या इंटरसेप्ट और हो जाए पॉइंट, तो ये मुझे नहीं पता एक्स टू वाई टू कितने, मैंने तो रफली ड्रॉ किया, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं अगर दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो जो लाइन पैरेलल होती है आपस में, जो लाइन आपस में पैरेलल होती है उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसका मतलब है जो स्लोप ग्रीन लाइन की है वही स्लोप रेड लाइन की है, तो आई कैन से मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि अगर मैं पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0 को अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाऊं, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में ले जाऊंगा तो एम ऑटोमेटिकली मुझे स्लोप बता देगा, और जो स्लोप इसकी होगी वही स्लोप रेड लाइन की होगी, तो मेरे पास एक पॉइंट और स्लोप आ जाएगी, एक पॉइंट और स्लोप आ जाएगी, तो लिहाजा यहां पे मैं पी एक्स प्लस क्यू वाई जो है इसको मैं राइट साइड पे ले आऊं तो माइनस पी एक्स और माइनस आर बन जाएगा इज इक्वल टू क्यू वाई, ठीक है, और क्यू इज वाई सॉरी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा
वाई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू, दोनों से डिवाइड हो जाएगा, माइनस पी अवर क्यू एक्स और माइनस आर अवर क्यू। ठीक है, तो अब माइनस पी अवर क्यू, इसका मतलब है इस लाइन की स्लोप है माइनस पी अवर क्यू, यानी ये जो है दिस इज माइनस पी अवर क्यू, तो लिहाजा ये भी माइनस पी अवर क्यू होगा, माइनस पी अवर क्यू यानी इसकी स्लोप। ये तो हम एंगल की बात करें, लेकिन एंगल से ही स्लोप का भी अंदाजा लगाया जाता है, तो माइनस पी ओवर क्यू। अब स्लोप इसकी माइनस पी ओवर क्यू है और एक्स टू वाई टू पॉइंट है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो वाई माइनस, वॉट इज वाई वन, वाई वन इज एक्चुअली यहाँ पे क्या है वाई टू, वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू एम, एम कितनी है माइनस पी अवर क्यू इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है एक्स टू। तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, क्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू वाई माइनस क्यू वाई टू इज इक्वल टू माइनस पी एक्स माइनस इंटू प्लस प्लस पी एक्स टू। तो ये बन जाएगा जी क्यू वाई, या अगर आप देखें पी एक्स को इस तरफ ले आए तो बन जाएगा प्लस पी एक्स, इस तरफ माइनस पी एक्स था, प्लस पी एक्स और फिर प्लस क्यू वाई, ये लिख दिया मैंने, यानी इसको भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। उसके बाद है प्लस पी एक्स टू, इधर आ जाएगा माइनस पी एक्स टू हो जाएगा, और ये माइनस क्यू वाई टू, क्यू वाई टू इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेजन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेजन है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब अगर आप देखें तो इस लाइन के, इस लाइन का ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, अगर आप इन चार ऑप्शन को देखें तो नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, डी इज द राइट ऑप्शन, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स टू माइनस क्यू वाई टू, सो डी इज माई राइट आंसर। ठीक है, सो डी मेरे पास जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसका जो दूसरा मेथड था जो कि शॉर्टकट हो सकता था, वो क्या था कि अगर मैं इसकी इसकी मैं स्लोप फाइंड आउट कर लेता, और इन लाइंस में से मैं उनकी स्लोप फाइंड आउट करता जिनकी स्लोप इसके बिल्कुल बराबर आ रही है, तो वो लाइन इसका आंसर हो जाती, बजाय ये कि हम इतने मुश्किल प्रोसेस में पढ़ते, तो सिंपल वे ये था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी जब मैंने ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शन देखें पी एक्स प्लस क्यू वाई, तो यहाँ पे भी इस लाइन की स्लोप निकलेगी वो भी वही निकलेगी, यानी माइनस पी बाई क्यू निकलेगी। यहाँ पे देखें पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी बाई क्यू निकलेगी, यहाँ पे देखें पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी बाई क्यू निकलेगी, और यहाँ पे भी माइनस पी बाई क्यू निकलेगी। तो स्लोप सबकी सेम आ रही थी इंटरसेप्ट के डिफरेंस की वजह से, यानी इंटरसेप्ट यहाँ पे डिफरेंट था, यहाँ पे इंटरसेप्ट कुछ और था, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेप्ट कुछ और था, तो इंटरसेप्ट की वजह से मुझे इस तरह से सॉल्व करना पड़ा। लेकिन अगर आप एक्सप्लेन नहीं करें, अगर आप फर्स्ट गो में ये सब चीजें करते हैं, तो ये आपका 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व लाइक यू नो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन से मुतल्लिक जो चीजें होती हैं, उनसे मुतल्लिक एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। अभी कुछ और इक्वेशंस भी हैं और हमारे पास और जो है वो क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, जिनको भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 0 एंड वाई एक्सिस एट 0 -4 इज ए बी सी एंड डी। अब इस सवाल में जो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, दिस इज माई वाई एक्सिस और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। अब इसमें वो ये बात कर रहा है कि जो एक्स एक्सिस पे लाइन टच करती है वो 2 0 पे, दिस इज 2 0, और वाई एक्सिस को टच करती है 0 और -4 के ऊपर, यानी x 0 y -4, फर्ज करें ये पॉइंट। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन को यहाँ से, इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करूँ किसी डिफरेंट कलर के अंदर, चले वो कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लू, ब्लूइश सा कलर है, चले व्हाइट कलर के अंदर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये अगर इस लाइन की बात करें तो ये लाइन आपको जो नजर आ रही है, अब इस लाइन की इक्वेशन जो होगी वो डेफिनेटली, यानी यहां से लेके यहां तक, दिस इज, दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट जिसको ए से डिनोट करते हैं, और दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, जहां पे यानी वो पॉइंट जहां पे लाइन एक्स एक्सिस को टच करती है उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, वो पॉइंट जहां पे लाइन वाई एक्सिस को टच करती है उस ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज कॉल्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज एक्स ओवर ए, ये फॉर्म कहलाती है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये अनदर कंडीशन है, यानी अगर हमारे पास, पहले तो हम बात करते थे एक इंटरसेप्ट विद स्लोप, लेकिन अगर स्लोप मिसिंग हो और दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो, यानी हमें बता दिया जाए कि लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किस किस पॉइंट पर टच करती है, फिर भी हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं लाइन का और इक्वेशन ऑफ लाइन भी
बना सकते हैं. तो एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू वन, दिस इज कॉल्ड स्लोप, आई मीन टू इंटरसेप्ट फॉर्म. इसमें दो इंटरसेप्ट्स यूज हुई है, ठीक है. तो लिहाजा इस सवाल के अंदर मैं यहाँ पे अगर आपको बता दूँ तो एक्स ओवर व्हाट इज ए, यानी दिस इज ए, ये एक्स इंटरसेप्ट है बिकॉज यहाँ पे एब्सिसा है ऑर्डिनेट जीरो, मीन के ये एक्स एक्सिस है और ये एब्सिसा जीरो है ऑर्डिनेट माइनस फोर है, मीन के ये बी है. तो ये आ जाएगा एक्स ओवर टू प्लस वाई ओवर माइनस फोर इज इक्वल टू वन, बन जाएगा एक्स ओवर टू प्लस इंटू माइनस माइनस वाई ओवर फोर इज इक्वल टू वन. अगर आप डिनोमिनेटर सेम कर लें, ये मैं आपको एक लॉन्ग वे बता रहा हूँ जिसमें मैं कॉन्सेप्ट टीच करना भी पर्पज है. टू एक्स ओवर फोर माइनस वाई ओवर फोर, तो बन जाएगा टू एक्स माइनस वाई ओवर फोर इज इक्वल टू वन, विच मीन्स के टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर. तो अब आप देख लें टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर आ गया, ठीक है. तो वी कैन सेलेक्ट वन ऑफ दी ऑप्शन, जैसे ये आ जाएगा जी टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर आ गया. या यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं अगर फोर को, ये जो फोर है इसको राइट साइड पे ले आऊँ, ये बन जाएगा टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर, टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो ये हमारे पास जो हो जाएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा, जिसको अगर हम अवेलेबल ऑप्शंस में देखते हैं तो टू एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल जीरो, टू एक्स माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल जीरो, और यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन में कोई नहीं है. आई थिंक ये मुझसे लिखने में मिस्टेक हुई है. तो आई मीन दिस कुड बी, हम इसको अगर माइनस बना लें तो दिस कैन बी आर आंसर, ठीक है. टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. अब इसका शॉर्ट वे क्या है, शॉर्ट वे ये है कि चूंकि ये पॉइंट्स हैं और ये दोनों पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, लेट सपोज इसमें पुट करता हूँ, तो टू इंटू टू फोर और वाई जीरो है, तो फोर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है ये लाइन सेटिस्फाई करती है. अगर इसको देखें तो एक्स जीरो है, तो एक्स अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो वाई कितना है माइनस फोर, तो माइनस इंटू माइनस फोर प्लस फोर, फोर माइनस फोर अगेन जीरो. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि सेटिस्फाई करेगी उसको. तो बजाय आप इस प्रोसेस से गुजरने के, आप दोनों पॉइंट्स को देखें कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है, यानी इनको इंसर्ट करने में हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर देती है, वही हमारे पास फाइनल आंसर होगा. तो आई ऑलवेज इनकरेज यू टू गो फॉर द शॉर्टकट्स. जहां पे शॉर्टकट आता है, जहां पे रिवर्स इंजीनियरिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे आप उसको इस्तेमाल करके टाइम टाइम भी सेव करें और अपने जो मिस्टेक के चांसेस हैं उनको भी कम करें. एक और हमारे पास एमसीक्यू है जो जी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड इंक्लिनेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज 120 डिग्रीज, देन स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज, ऑप्शन ए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि फर्स्ट करें दिस इज माई एक्स एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो, ये मेरे पास वाई एक्सिस हो, तो इसमें हम अगर एक लाइन है जो कि एक सर्टन इंक्लिनेशन बना रही है, ठीक है, यानी हमें उस लाइन की इंक्लिनेशन नहीं पता, हमें एक लाइन है फर्ज करें वो लाइन ये है, मैं सपोज कर देता हूँ फर्ज करें वो लाइन ये है. तो अब इस लाइन से, इस लाइन पे अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ, ठीक है, जैसे ये है ये परपेंडिकुलर, तो दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये पी ये परपेंडिकुलर की लेंथ है और जो परपेंडिकुलर इसके साथ इंक्लिनेशन बना रहा है ये वाली इंक्लिनेशन, दिस इज 120 डिग्रीज, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली 120 डिग्रीज नजर नहीं आ रही, लेकिन हम जस्ट असूम कर रहे हैं, हमें रफली हम आइडिया ले रहे हैं 120 डिग्रीज है, 120 डिग्रीज है. देन स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन क्या होगी, यानी फिर हमने बताना है इसकी स्लोप और इसकी इंटरसेप्ट क्या होगी. अब हम इसको, ये जो चीज है, तो इस सूरत में हम देखते हैं जी कि हमारे पास जो इक्वेशन आती है दैट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इन नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन जो होती है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक है. अब अगर मैं इस सवाल के मुताबिक अगर बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं यूं कर सकता हूँ, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है, और जो इक्वेशन है यानी अगर मैं 120 देखूं तकरीबन यहां पे बनता है, ठीक है,
यानी ये एंगल जो होगा 120 होगा विद एक्स एक्सिस, तो दिस कैन बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये फिर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो, यानी जो लाइन होगी रिक्वायर्ड वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, वो लाइन इस तरह से होगी। ये हमारे पास क्या है, ये स्लोप है, ये स्लोप ऑफ द लाइन है जो कि 120 डिग्रीज है, और ये परपेंडिकुलर की लेंथ है, ठीक है। तो इसमें अल्फा इज द 120 डिग्रीज, और हमने फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द, हमने सॉरी बताना है कि हमारे पास स्लोप कितनी होगी, इंटरसेप्ट कितनी होगी, यानी ये लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगी, ठीक है, और दूसरा इसकी स्लोप कितनी है, यानी स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या है। चलें जी, सबसे पहले तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसका बड़ा सिंपल सा वे है कि हम एक्स देखें, एक्स कॉस 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज और प्लस वाई साइन 120 डिग्रीज इज इक्वल टू पी, और पी हमारे पास क्या है, पी इज 5 यूनिट है, ठीक है। अगर पी 5 यूनिट है तो हम ये बात जानते हैं कि कॉस 120 कितना होता है, -1/2, तो आ जाएगा -1/2 एक्स, और साइन 120 कितना होता है, √3/2 प्लस √3/2 और इनटू वाई इज इक्वल टू 5। हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास जवाब दे देगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस √3y, सॉरी √3y इज इक्वल टू 10। कैसे, बिकॉज डिनोमिनेटर देखें तो 2 है, अगर डिनोमिनेटर 2 है, ठीक है, तो या बल्कि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर देखें तो 2 है, तो न्यूमिनेटर बन जाएगा -x प्लस √3y/2 इज इक्वल टू 5, तो ये बन जाएगा -x प्लस √3y इज इक्वल टू 10, या आ जाएगा अगर आप थ्रू और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा दें तो एक्स माइनस स्क्वेयर रूट थ्री वाई सॉरी माइनस स्क्वेयर रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 10, सॉरी -10, एंड ये आ जाएगा एक्स माइनस स्क्वेयर रूट थ्री वाई और -10 इधर आके क्या हो जाएगा, +10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, लेकिन हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ही चाहिए, अब स्लोप इंटरसेप्ट चाहिए। तो अगर मैं इस पॉइंट को, यानी इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी वाई इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में ले जाए, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास स्लोप और इंटरसेप्ट आ जाएगी, जो कि बनती है y इज इक्वल टू x ओवर स्क्वेयर रूट 3 और +10 ओवर स्क्वेयर रूट 3। तो इट मींस के 1 ओवर स्क्वेयर रूट 3 जो है वो स्लोप है और 10 ओवर स्क्वेयर रूट 3 जो है वो इंटरसेप्ट है। सो चलिए यहाँ पे ये हमारे पास, चलिए ये जी ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज दी आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 1/√3 स्लोप है और दिस इज द इंटरसेप्ट। तो बहुत आराम से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारे पास एक अनदर कंडीशन है कि जब आपको, जब आपके पास उस लाइन से ओरिजिन तक का परपेंडिकुलर और उस परपेंडिकुलर जो कि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, अगर वो गिवन हो, तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, या जो रिक्वायर्ड चीज होती है उसको किस फॉर्म में, किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। इसी तरह एक अनदर टाइप ऑफ इक्वेशन भी होती है, विच इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें अगर हमें एक एंगल गिवन हो, यानी अगर एंगल जो कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, अगर वो एंगल और एक पॉइंट गिवन हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लाइन जो कि एक्स एक्सिस से सर्टेन एंगल बना रही है अल्फा, तो अगर ये एंगल गिवन हो और एक कोई एक पॉइंट गिवन हो, तो इस सूरत में हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स माइनस एक्स वन आवर और कोसाइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन आवर साइन ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू आर, विच इज इक्वल टू आर।